नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कृष्ण मुरारी प्रजापति, सर्व समाज लाडो हेल्थ फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष। आप सभी जानते हैं कि सर्व समाज लाडो हेल्थ फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से लगातार गरीब, अनाथ, बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए समर्पित है। संस्था के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, वस्त्रदान, वृक्षारोपण करना, गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना, शिक्षा में सहयोग करना, किताबें वितरित करना, अन्य प्रकार के कार्य संस्था के प्रमुख रहे हैं, जो कि समय समय पर आप सबको देखने को मिले होंगे। आज संस्था एक मिशन की शुरुआत कर रही है, उसमें मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, जिससे जो कदम हमने उठाया है, जो मिशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, उस मिशन में हम सफल हो सके। हमारा मिशन ये होगा प्रदूषण मुक्त भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारा मिशन है प्रदूषण मुक्त भारत। प्रदूषण हमारे देश में अनेकों प्रकार से होता है, चाहे वो पॉलिथीन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण रहा हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण रहा हो, बहुत से प्रकार के इफेक्ट जो है प्रदूषण के संबंध में आते हैं। तो हमने एक विषय पर काम करना प्रारंभ किया है। हमारा प्रथम जो लक्ष्य रहेगा, प्रथम लक्ष्य ये रहेगा कि हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो वस्त्र हमारे छोटे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उन वस्त्रों को जलाने का कार्य करते हैं, उन वस्त्रों को जला देते हैं। ना तो वो वस्त्र किसी के काम में आ पाते हैं, बल्कि और प्रदूषण फैलाते हैं। तो संस्था का प्रदूषण के साथ साथ किसी की मदद करना भी एक लक्ष्य है। तो हम चाहते हैं प्रदूषण को भी रोकें, प्लस किसी की मदद भी करें। तो हमने क्या किया है कि अब हम जो है संस्था के कुछ पदाधिकारियों के साथ, संस्था के कुछ सदस्यों के साथ जो है भ्रमण करने वाले हैं अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, या जहां कहीं से हमारे पास क्वेरीज आएंगी या जहां हमारे पास संपर्क नंबर होंगे, जो भी व्यक्ति हमें अपने एरिया में इस कार्य के लिए बुलाएगा, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। हम वहां जाएंगे और अपना कार्य करेंगे। कार्य क्या रहेगा कि मेरी अपील ये है आप सभी भाइयों से कि आप सभी भाइयों के घर में कुछ ना कुछ छोटे वस्त्रों के वस्त्र जो कि अपने बच्चों के लिए लाते हैं और वो ओछे हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे और सुंदर वस्त्र होते हैं जो कि पहनने लायक भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जब वो हमारे वस्त्र रखे रहते हैं तो वो हमारे काम में नहीं आ पाते हैं और उन वस्त्रों को हम क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं। जब हम कहीं पर उनको फेंक देते हैं तो ये कचड़ा बन जाता है, उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण फैलता है, कचड़ा फैलता है, गंदगी फैलती है। अगर हम उन वस्त्रों को, अगर वो हमारे घर में अधिक वस्त्र पड़े हुए हैं और हम उनसे परेशान हैं कि हमारे घर में कचड़ा फैला हुआ है, उस कचड़े को बाहर ना डाल के आप हमारे सर्व समाज लाडो हेल्थ फाउंडेशन से आप संपर्क करिए, हमारी टीम वहां पहुंचेगी, उन वस्त्रों को आप हमारी टीम को दे दीजिए। हमारी टीम क्या करेगी, उन वस्त्रों को लाएगी, उनको साफ सफाई करके बढ़िया, जो भी उनमें कमियां होंगी, जैसे किसी वस्त्र में बटन नहीं है, किसी में चेन नहीं है, या किसी में अन्य प्रकार की कोई भी अगर वो हो, अगर वो पहनने लायक वस्त्र है उसको ला करके इकट्ठा करके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वस्त्र खरीद नहीं पाते, जो झुग्गियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, लेकिन उनके वो वस्त्र काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा अगर छोटा बच्चा होता तो हम ही अपने बच्चों को पहना लेते उनको, लेकिन हमारे बच्चे बड़े हो गए और वो वस्त्र जो है छोटे रह गए, अब वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें हमारी मदद करें, संस्था की मदद करें, संस्था के लोग आपके पास आएंगे, आप उनको वो वस्त्र दे दें जिससे वो किसी और के पास चले जाएंगे। उससे होगा क्या कि आप उनको कहीं फेंकेंगे नहीं। स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया था उसमें आपकी सहभागिता हो जाएगी, गंदगी से दूर आप रहेंगे, दूसरा किसी की मदद हो जाएगी, तीसरा जो आप उन वस्त्रों को इकट्ठा करके, मान के हमारे किसी काम के नहीं है, कहाँ लेके जाए उनको, आप इकट्ठा करके क्या करते हैं उनको जला देते हैं, और जला दे तो उससे एक दुर्गंध, एक विशेष प्रकार का धुआं उससे उठता है जो कि हमारे नाक के द्वारा, हमारे श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों तक जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है।
जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, उन सभी से बचाव भी होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी भाई संस्था की इस कार्य में मदद करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।